हादसा हुआ है मेरी कोच में, अभी साइड में मेरे को पैसेंजर का लगेज छीन के लेके गए। देखो फिर से ये यार, ये चलती गाड़ी में चढ़ते हैं ना लोग, अब क्या बोले यार। एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड देहरादून मसूरी बाय ट्रेन, हाई स्पीड गाड़ी स्किप कर रही है गाजियाबाद जंक्शन को, वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या गई है यार वंदे भारत, हाई स्पीड ओवरटेक यहाँ पे हो रहा है भाई साहब। वाओ यार क्या ओवरटेक था यार ये। नहीं नहीं इतने में तो भाई नीचे वाले का प्रेशर ज्यादा रहता, उसके हाथ में पूरी तरह से बैग पकड़ा हुआ था। अच्छा, उसने ऐसा झटका मारा। देश की राजधानी नई दिल्ली से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार जबरदस्त व्लॉग में। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं हमारी देश की राजधानी दिल्ली से लेकर क्वीन ऑफ हिल्स कहलाए जाने वाले मसूरी तक, वो भी दिल्ली जंक्शन देहरादून मसूरी एक्सप्रेस में। बहुत ही खास ट्रेन है, बहुत ही स्पेशल ट्रेन है, आज हमारी इस ट्रेन में यात्रा होने वाली है। आज हम मेरे साथ सफर करने वाले हैं दिल्ली जंक्शन से देहरादून तक, वो भी मसूरी एक्सप्रेस में। सिर्फ देहरादून तक नहीं, इस व्लॉग में आपको प्रॉपर मसूरी तक जाकर दिखाऊंगा कि आप दिल्ली से मसूरी तक कैसे ट्रेन से पहुंच सकते हो। अभी मैंने सुना है कि मसूरी में बर्फबारी हो रही है, तो मेरे साथ आप ये वाला व्लॉग एंजॉय करने वाले हो दिल्ली से मसूरी तक। वीडियो को एंड तक देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और भाई साहब भीड़ इतनी ज्यादा है ना, और पसीने आ रहे यार, देख सकते हो ना दिल्ली में गर्मी शुरू हो रही है। चलिए चलते इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली जंक्शन मसूरी एक्सप्रेस, यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर लगभग 10:20 पर होने वाला है, और ये 340 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 घंटा 40 मिनट में कवर करने वाली है। आज हमारी इस ट्रेन में इसे टू टीयर कोच में जर्नी होने वाली है। चलिए चलते हैं, आप मेरे साथ सफर करने वाले हो मसूरी। ये देखो यार, दिल्ली जंक्शन में आप कभी भी आओ ना, इतनी तो भीड़ आपको मिनिमम मिलेगी, इससे कम तो भीड़ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती। और ये फिर भी बताऊँगा ना, ठीक ठाक ही भीड़ है, मतलब नॉर्मल दिनों में आप रश आवर्स में होगे शाम के टाइम वगैरह तो इससे डबल भीड़ रहती है। चलिए मैं अंदर अब पहले बैग वैग चेक इन करता हूँ, चेकअप वगैरह वो सब होता है, एंट्री करता हूँ और प्लेटफॉर्म भी जाके आपसे बात करता हूँ। भाई साहब एक दिक्कत है यार, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये अच्छे से अनाउंसमेंट ही नहीं करते ट्रेन कहाँ आ रही है। यहाँ से मैं 3 फेरे मार चुका हूँ, अभी तक ट्रेन की अनाउंसमेंट नहीं करी इन लोगों ने। गाड़ी निकलने में केवल 10 मिनट का समय बचा, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं करी। 3 फेरे तो मैं ऊपर के ऊपर ही मार चुका हूँ, NTS पर भी समझ नहीं आ रहा, दिखा नहीं रहा, ये एक दिक्कत वाली चीज़ है यार। फिर भी देख रहा हूँ मैं यार कि आगे जाके पूछ रहा हूँ बस किसी किसी से कि भाई कहाँ है मसूरी एक्सप्रेस। देखते 13 नंबर पर लग सकती है, तो 13 नंबर पर भाग रहा हूँ। फाइनली यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर अपनी मसूरी एक्सप्रेस खड़ी है। यार इन्होंने अनाउंसमेंट अभी तक मेरे हिसाब से नहीं करी, इवन ऊपर जो इंडिकेटर होता है वहाँ पर भी गलत कोई तो अलग ही ट्रेन का नाम लिखा है। अच्छा हुआ एक कोहली भाषा ने बता दिया। चलिए भाई फाइनली आ चुका हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर अपनी मसूरी एक्सप्रेस लगी। थोड़ा सा यार यहाँ पे मिसमैनेजमेंट बहुत है दिल्ली जंक्शन पर, ना ही इन्होंने अच्छे से अनाउंसमेंट नहीं किया। मैं लगभग आधे घंटे पहले आ गया था, अभी तक मेरे सामने तो एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ हमारे मसूरी एक्सप्रेस की। और इवन ऊपर जो फुट ओवर ब्रिज है वहाँ पर भी इन्होंने नहीं लिखा था मसूरी एक्सप्रेस। बस एक कुली भाई साहब को पूछा और एक जो TD सर थे वहाँ को, उनको पूछा कि कहाँ है, तब जाके मेरे हाथ में हैवी लगेज था। एटलीस्ट थोड़ा सा रेलवे को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए यार। बाकी चलो सब चीज़ें साइड में, आपको बताता हूँ ट्रेन के बारे में। यहाँ से हम निकलने वाले हैं अभी 10:20 पर, उसके बाद दिल्ली शाहदरा गाजियाबाद बिजनौर हापुर, सुबह आएगा 5 बजे हरिद्वार, यानी कि गंगा जी के किनारे हम जाएंगे हरिद्वार। उसके बाद सुबह लगभग हम 7:30 पहुँचने वाले हैं देहरादून, यानी कि उत्तराखंड के देहरादून में पहुँचने वाले हैं। देहरादून से आगे हम मसूरी कैसे जाएंगे ये भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक काफ़ी मज़ा आने वाला है। टोटल 10.5 घंटे की हमारी जर्नी होने वाली है AC 2 टायर कोच में हमारे मसूरी एक्सप्रेस के। चलिए यहाँ से आपको डिपार्चर दिखाता हूँ और बाकी इंटीरियर्स वगैरह दिखा देता हूँ और बाकी बातें आपसे करते रहेंगे। चलिए आज की जर्नी AC 2 टायर कोच में होने वाली है, आपको मैं इंटीरियर्स दिखा देता हूँ। अंदर आते ही अच्छा खासा क्लीनलीनेस लग तो रहा है, पता नहीं वैसे तो साफ सफाई है। चलिए अंदर आपको मेरी सीट दिखा देता हूँ, मैं आ चुके हैं अंदर। ये आज का हमारा 2 टायर का कोच है और इस टाइम मुझे आज अपर सीट मिल चुकी है यार। चलो ठीक है, अपर सीट बढ़िया होती है, फैन वैन है इसे 2 टायर में तो उसके कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सामान वामान नीचे रख दिया है सेफ एकदम बढ़िया से। पानी वानी आपके साथ कैरी किया करो क्योंकि इस ट्रेन में ना ही पैंट्री कार ना ही कुछ है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है। पानी तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लगता है जर्नी के दौरान, अगर आपको लगता है तो आप भी कैरी किया कीजिए। और यार जैकेट उतर गई है मतलब ठंड कम है यहाँ पर थोड़ी सी, आगे जाकर देहरादून मसूरी में ठंड काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ऑन टाइम 10:25 पर अपना दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 से डिपार्चर हो चुका है और सामने खड़ी है शायद अपनी
पता नहीं यार। ये है सिद्धबली जनशताब्दी, जो दिल्ली से लेकर कोठार तक जाती है। देखो गाड़ी छूट गई उनकी, देखो गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूट गई उन लोगों की, चेन पुल कर दिया आई गेस, चेन पुल हो गया, जो पीछे लोगों पीछे जिन लोगों की गाड़ी छूट गई थी आई गेस, इसकी वजह से गाड़ी में चेन पुल हो गया। चले भाई अभी हाथ से थोड़ा सा एरिया अनसेफ हो जाता है इसलिए दरवाज़ा निकाल बंद कर देता हूँ। बाकी सामने अपना दिल्ली जंक्शन हमने फाइनली डिपार्ट कर लिया है। चलो भाई दरवाज़े बंद कर देते हैं क्योंकि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दिल्ली जंक्शन सबसे अनसेफ जगह है, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो मोबाइल वोबाइल भी अगर चला रहे हो तो सावधानी से रहना पड़ता है, लॉक करो, बाद में आपको गाज़ियाबाद पर मिलता हूँ। एक काम करो ट्वीट कर दो तुरंत, आप RPF को टैग करो, सामान मिल जाएगा आपका जो भी चोरी हुआ होगा ना वो टैग कर दो, तो कॉल कर दो 139 पर। अभी सेंपुलिंग वही करना चाहिए था, ऐसे टाइम पर सेंपुल कर सकते हो, बट अभी फ़ायदा नहीं है कुछ, अब कुछ फ़ायदा नहीं है, वही यहाँ पे हल्ला हो रहा था, मैंने सोचा क्या हुआ, यहाँ पर है ही दिक्कत दिल्ली साइड में थोड़ा सामान को लेकर। अरे यार चीन के लेकर भाग गया, अरे बाप रे, हम समझ ही नहीं पाए क्या हो, वो तो अच्छा बच्चा ही, अरे बाप रे, या मैं इधर रहती तो मेरे को ही लेके चीन भाग जाता। तो भाई आपको मैंने बताया था ना डिपार्चर के बाद गेट लॉक करो अपने जब अपने हाथ। अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है मेरी कोच में, अभी साइड में मेरे को पैसेंजर का लगेज छीन के लेके गए दिल्ली जंक्शन पे, गाड़ी सब डिपार्ट हुई, मेरे को पैसेंजर का लगेज छीन के लेके गए। भाई क्या बोल सकते हैं यार, मैं इसलिए बोलता हूँ ना वीडियोस में भी कि जब डिपार्चर होता है तब मैं खुद दरवाजा लगाता हूँ, कि सबसे गंदी चीज़ है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ना, मैं तो सामान तो छोड़ो आप भी सेफ नहीं हो, क्या बोल सकते हैं भाई। अब देखते हैं, मैंने उनको बोला है कि RPF में आप 139 पे कॉल कीजिए ना, तो ऑन ड्यूटी RPF जो इधर अटेंडेंट सर थे उनको मैंने बोला कि भैया प्लीज़ जो B1 कोच में RPF है उनको बुलाइए और इनके इनका रिपोर्ट जो है लिखवा लीजिए, एटलीस्ट दिल्ली जंक्शन में सामान वामान चोरी है वो मिलने का चांस तो होगा, क्योंकि उनका उस सामान में ID कार्ड वगैरह सब चीज़ें थी। क्या बोल सकते हैं यार, मैं सुनकर शॉक हो गया 2 मिनट के लिए। इवन मैंने भी मेरा सामान रखा था, मेरे साथ जो को पैसेंजर्स है ना, मैंने इनको बताया था कि भैया बस 2 मिनट में आ रहा हूँ बॉटल वगैरह पानी के लेके, थोड़ा सा देख लीजिए, वो आर्मी वाले भैया थे तो उन्होंने बोला आप आराम से जाइए, मैं देख रहा हूँ सामान, थोड़ा सा ऐसे भी आप कर सकते, क्या ही बोल सकते हैं यार, मेरे को शॉक हो गया सब सुन के। थोड़ा बहुत सिर्फ कपड़े वपड़े होते गए वो समझ सकते हो, उसमें पैसे वैसे थे ID कार्ड वगैरह सब चीज़ें थी उसमें, क्या बोले यार। मैं देखो ना वही कह रहा था, मुझे खुद सुनकर मैं शॉक हो गया यार, अगर मैं उनकी जगह होता तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हेडेक होता है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब उनका इतना प्रेशियस सामान था आई गेस, उसमें मैंने पूछा था मैम से, उसमें उनके ID प्रूफ्स वगैरह काफ़ी चीज़ें थी वो सारी उनकी चले गई। RPF वगैरह आ गए, मैंने भैया को बोला था कि भैया देख लीजिए एक मिनट, मैंने भैया को बोला था कि भैया देख लीजिए, तुरंत भैया गए। भैया आपका नाम क्या है? बंटी। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे लोग अच्छे होते हैं, एटलीस्ट आप B1 कोच में गए ना, अच्छा 2-3 कोच चल के गए। इसलिए कहता हूँ यार अपना सामान जो है ना अपने पास सेफ रखना चाहिए यार, देखो सामान चोरी हो गया कितना बड़ा नुकसान है, क्या कह सकते हैं। अब इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, आगे जाकर देहरादून में इस पर एक्शन होगी। B3 वाला B2 वाला हम अपने फट्टे बैठ के खाना खोलने को जा रहे थे, खाना खा लेते हैं दरवाजे पे खड़ी थी, हाँ गेट पे ही मैं, अच्छा ये दोनों वहाँ से इनके पास से आवाज़ लेके लेके लेगा, मैंने कहा हम देखना क्या लेके लेगा, ये मेरे साथ वाला आया B2 वाला, उसने खींचा है, फिर उसके बाद मैं आया, मैंने भी इतने में तो भाई नीचे वाले का प्रेशर ज़्यादा रहता, उसके हाथ में पूरी तरह से बैग पकड़ा हुआ था, अच्छा उसने ऐसा झटका मारा, ट्रॉली बैग था, बैग था, अरे वैसा बैग नहीं होता ऐसे टांगने वाला, लेडी रखती जो ऐसा बड़ा रहा होता है, अच्छा हैंड बैग, हाँ अच्छा हैंड बैग ले लिया वो था। कोई तो अभी हाई स्पीड गाड़ी स्किप कर रही है गाजियाबाद जंक्शन को, वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या गई है यार वंदे भारत गजब की रफ्तार में।
पर हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मेन लाइन हमसे बाइफरकेट होकर टुवर्ड्स कानपुर सेंटर निकल जाती है। बाकी यार ट्रेन में इतना रोला चल रहा था, ट्रेन में इतनी मतलब इतनी भसौड़ चल रही है ना, मैं कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं कर पा रहा। कंटिन्यू वो चोरी का मामला इतना बड़ा हुआ, उनके वैल्यूएबल सबको बताया मैंने थे, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए भाई। मुझे भी बुरा लगा यार, क्या ही कर सकते, उन्होंने रिपोर्ट लिखवा ली है। अब आई गेस उन्होंने बोला कि देहरादून पहुंचने के बाद आपको मेन रिपोर्ट लिखवानी है, आई गेस कुछ तो ऐसा ही था। क्या बोले भाई साहब, बाकी वंदे भारत का स्क्रिप्ट आपको देखा ना आपने, कैसा लगा एक बार कमेंट बताना यार। तो बहुत मज़ा आया देखकर, क्या जोर की रफ्तार से स्किप हुआ था। बाकी गाजियाबाद स्टेशन से हम टूवर्ड्स हापुर जाने वाले हैं और ट्रेन हमारी ऑन टाइम चल रही है बिल्कुल। पीछे पता नहीं कैसे ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस पता नहीं कैसे खड़ी है, आई गेस पता नहीं यहाँ पर कैसे। अगर स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आरपीएफ आए थे, और मेन बात जिस आदमी का सामान चोरी हुआ ना, वो आदमी बेचारे अटेंडेंट पर चिल्ला रहा है। मुझे वो चीज़ देखकर काफ़ी बुरा लगा, उसके ऊपर इतना चिल्ला रहा है। अटेंडेंट की कुछ गलती भी नहीं है यार, वो बेचारा साइड में बैठा था, उसके सामने सामान चोरी हो गया, वो उठा भी था, वो तो बोल रहा था कि कोई बच्चा भी गिर जाता, मतलब ऐसा था। क्या बोल सकते हैं, ऐसा होता तो अजीब सा लगता है, हम भी कुछ उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो मैटर हमारा नहीं है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे जाकर अगर आप किसी भी ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, कोई भी ट्रेन हो, कोई भी स्टेशन हो, खास करके पुराने दिल्ली स्टेशन, अपना सामान एकदम अच्छे से रखना और टाइम से ट्रेन को बोर्ड करना यार, ये मेरी अंदर से आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी यहाँ से डिपार्चर में मिलते हैं, पता नहीं यार यहाँ पे ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस क्यों खड़ी है, तमिलनाडु है गैस, इसका तो यहाँ पे रूट ही नहीं है फिर भी खड़ी है। केवल 2 मिनट का हॉल्ट था, देखो फिर से ये यार, ये चलती गाड़ी में चढ़ते हैं ना लोग, अब क्या बोले यार, ये देखो फिर से चढ़ रहे हैं, पीछे जाओ। निकल चुके गाजियाबाद स्टेशन से, बाकी यार दरवाजा बंद ही कर रहा था यार, मैं खुद अभी मैं खुद डर गया साला कोई चढ़ ना जाए फिर यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, कि अभी आगे साइड भी कोई तो चढ़ गया। वे गाजियाबाद से निकल चुके हैं और थोड़ी देर के लिए मैं मेरे अपर सीट पर आ चुका हूँ। बात यह है कि लोअर पे सारे लोग सो रहे हैं, तो अपर पे आकर बैठना पड़ रहा है, और थोड़ी देर में हापुर जंक्शन आएगा, तो आपको हापुर जंक्शन में मिलता हूँ। और वहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर हमें मिली तो लेते हैं। बाकी जब हम दिल्ली से लेकर अयोध्या कैंट तक यात्रा कर रहे थे, दिल्ली अयोध्या कैंट एक्सप्रेस में, तो हमने अब तो आपको दिखाया था मैंने हापुर जंक्शन की कॉफ़ी, इस टाइम में ट्राई करता हूँ। ट्रेन हमारी पहुँच रही है हापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहाँ से मेरठ सिटी जंक्शन से आने वाली एक लाइन यहाँ पर हमें मिलती है, और एक लाइन यहाँ से खुर्जा जंक्शन की ओर निकल जाती है। किस किस को ICF के ट्रैक साउंड्स पसंद है, एक बार कमेंट करके मुझे बताना, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ पर अपनी मसूरी एक्सप्रेस पहुँच चुकी है अभी हापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से एक लाइन निकल जाती है खुर्जा जंक्शन की ओर, और एक लाइन मेरठ सिटी जंक्शन की ओर निकल जाती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बनता है अपनी ट्रेन का। यहाँ पर केवल 2 मिनट का हॉल्ट है यार। यहाँ पर आपको बता दो, कॉफ़ी फेमस है यार, कॉफ़ी नहीं मिल रही यार। हम जब अयोध्या एक्सप्रेस से जा रहे थे तब तो मतलब हर 100 मीटर पर एक कॉफ़ी का वेंडर था। और बाकी बता दूँ, RPF आ चुकी है, जो उन्होंने कंप्लेन की थी उसके लिए एक्शन लेने के लिए यहाँ पर RPF आ चुके हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर, उसके बाद गजरौला जंक्शन आएगा। गजरौला जंक्शन से हम अलग लाइन पे बढ़ने वाले हैं, आपको वही जाके बताता हूँ कि कौन से लाइन पर हम बढ़ने वाले हैं। बाकी जर्नी अच्छी चल रही है, बस कि अपर सीट मिली है तो सभी सो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा वो वाली जो सीट आती है ना, फट्टा जो होता है थोड़ा सा, उस पर गद्दा भी होता है एक टाइप का, उस पर बैठ के थोड़ा सा वेट कर रहा था स्टेशन आए आपको दिखा पाऊँ। बस आई गेस कुछ गर्म गर्म लेते हैं, ठंड कम हो गई यार, लास्ट टाइम जब आए थे तब बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई है। ओब्वियसली फरवरी का महीना है और फरवरी एंड होते तो यहाँ पे गर्मी भी शुरू हो जाएगी। केवल गाड़ी यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकी, मतलब गाड़ी को प्रायोरिटी तो अच्छी दे रही है यार, सही लगा। बाकी ओवरटेक तो कुछ खास होने नहीं वाला, वैसे मुझे लगा कि एक खाद ओवरटेक होगा तो दिखा दूंगा, बट ओवरटेक ही नहीं हो रहा यार, क्या करें। चलिए चलते हैं, निकल गए हापुर जंक्शन से और दरवाजे बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी RPF वगैरह भी आ चुके हैं तो उनका इंक्वायरी चल रहा है, तो उनको फालतू में डिस्टर्ब ना हो हमारी वजह से, है ना। दरवाजे बंद करता हूँ, आपको मैं गजरौला जंक्शन पर मिलता हूँ। निकल गए हम हापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, कॉफ़ी पीने का बहुत मन था यार, बट कॉफ़ी वाले वेंडर्स ही सब चले गए। रात का समय हो रहा है, 11-12 बज रहे हैं, तो जय ऐसी बात है।
ट्रेन अभी अपनी पहुंच रही है गढ़मुक्तेश्वर स्टेशन पर। ये स्टेशन खास क्यों है ना आपको उतरने के बाद बताता हूँ। दिल्ली जंक्शन देहरादून मसूरी एक्सप्रेस पहुंच चुके हैं अभी गढ़मुक्तेश्वर स्टेशन पर। ये खास क्यों पता है, बिल्कुल इसके स्टेशन के बाद ही ना गढ़गंगा करके नदी आती है। गढ़गंगा करके बहुत ही खूबसूरत और विशाल का नदी आती है। वैसे तो रात के समय कुछ दिखेगा नहीं, आप यहाँ से अपना निकलने का संकेत हो चुका है। केवल 2 मिनट अपने ट्रेन का यहाँ पे ठहराव था और पीछे गार्ड जी ने भी सिग्नल दे दिया है, वो देख सकते हो। ये रहा गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज का रेलवे स्टेशन। इसके बाद तुरंत गढ़मुक्तेश्वर मेन जो नदी है वो शुरू हो जाएगी, गढ़गंगा नदी। यहाँ पे देखो हम गजरोला जंक्शन पहुँच रहे हैं। टीकेडी का टोस्टर लोकोमोटिव, इसको टोस्टर बोलते हैं, WDP-3A लोकोमोटिव है, नजीबाबाद गजरोला पैसेंजर के साथ। बाकी यार गर्मा गर्म चीज़ें मिल रही है यहाँ पे तो सही। अपने स्टॉल के आगे कुछ होगा तो खा लेंगे, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी मुझे। ये देखो सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही है यार। अपना कोच काफ़ी आगे बट है, हमारे पास समय काफ़ी है। ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है अभी गजरोला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि ये लाइन अपनी जो ट्रेन है ना इधर से अपनी जो ट्रेन है यहाँ से बिजनौर की ओर बढ़ने वाली है और एक लाइन यहाँ से सीधा निकल जाती है मुरादाबाद जंक्शन की ओर, जो कि आपको मैंने बहुत बार दिखा है। इधर से आगे वाला जो रूट है मेरे लिए काफ़ी नया है, बिजनौर वाला। अभी कुछ तो स्टेशन में खाने के लिए लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा भूखे। और बताऊँ इस ट्रेन का यहाँ पर आधे घंटे का हॉल्ट है भाई साहब, आधा घंटा गाड़ी रुकने वाली है और गाड़ी आई थी लगभग 12 मिनट डिले के साथ। चलिए कुछ तो खाने के लिए लेते हैं और आपसे बातें करते हैं। बाकी ठंड अच्छी खासी है, ठीक ठाक सी आप कह सकते हो, नॉर्मली जनवरी के एंड में तो इससे डबल ट्रिपल हो जाती है। गर्मा गर्म चाय के स्टॉल से लग रहा है कि मार्केट ही लगा हुआ है यहाँ पे, देखो मार्केट लग रहा है लिटरली। चाय है, सब चाय है, छोले भटूरे हैं, आई गेस छोले कुलचे भी यहाँ पे मिल रहे हैं। स्टॉल बहुत ज़्यादा है, चलिए आगे तक जाके आते हैं ना। छोले भटूरे हैं, सब चीज़ें है भाई साहब, ऐसा लग रहा है एकदम पूरा प्रॉपर मार्केट लगा हुआ है। देखो यहाँ पे देखो गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है देखो, क्योंकि कुछ खाने को मिला ही नहीं ट्रेन के अंदर, इसलिए देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। हाई स्पीड ओवरटेक यहाँ पे हो रहा है भाई साहब, वाओ राजधानी एक्सप्रेस। वाओ यार क्या ओवरटेक था यार, ये मजा आ गया। और हाँ एक चीज़ आपको मैं बताना भूल ही गया, अपने गाड़ी के टोटल 2 रिवर्सल होते हैं। पहला रिवर्सल यहाँ पे गजरोला पे होता है और दूसरा रिवर्सल इसका नजीबाबाद स्टेशन पर होता है। मतलब कुल मिला के 2 रिवर्सल इस गाड़ी को दिए हैं। अगर स्ट्रेट हम जाते हैं तो टुवर्ड्स मुरादाबाद जंक्शन की ओर निकल जाएंगे और रिवर्सल होके जाएंगे टुवर्ड्स हरिद्वार हम निकलने वाले हैं। कुल मिला के सफ़र काफ़ी अच्छा जा रहा है, बस ये है कि इधर के छोले भटूरे गलती से भी मत खाना यार, आपकी तबीयत बिगाड़ देगी। 20 रुपये का है बट
मत लेना, पकोड़े ले सकते हो, पकोड़े अच्छे हैं, बाकी पानी वानी सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। गाड़ी का आधे घंटे का यहाँ पे हॉल्ट है। तो अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है गजरौला जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और देखो पूरे के पूरे इनके कस्टमर सारे अब ख़त्म हो चुके हैं, मतलब यही इनकी रोज़ी रोटी है। तो अच्छा लगता है, मतलब पैसेंजर्स यहाँ पे उतरे, थोड़ा बहुत उनको भी कमाने को मिल गया। बाकी अभी निकल गए हम, इसके बाद एक और रिवर्सल हमारा होगा नजीमाबाद जंक्शन पर। और ये टोस्टर लोकोमोटिव देख के ना मज़ा आ गया यार, बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद, लगभग एक सालों बाद मैं देख रहा हूँ आज ये लोकोमोटिव। तुगलकाबाद शहर का WDP-3A लोकोमोटिव। गजरौला जंक्शन को पार कर दिया हमने। जिस ट्रेन ने हमें ओवरटेक किया थोड़ी देर पहले, वो थी नई दिल्ली लखनऊ AC एक्सप्रेस। इस रूट की सबसे प्रीमियम ट्रेन आप कह सकते हो, दिल्ली और लखनऊ के बीच में चलने वाली सबसे प्रीमियम ट्रेन, उसने ओवरटेक कर दिया है। मुझे लगा राजधानी वाजधानी हुई कोई लेट लतीफ, बट नहीं, वो लखनऊ AC थी। मैंने देखा था मुरादाबाद जंक्शन का अराइवल। बाकी निकल गया अभी हम रिवर्सल होने के बाद, थोड़ी देर अब मैं रेस्ट करता हूँ। सुबह जहाँ पर भी नींद खुलती है वहाँ पर आपको कैच करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली हरिद्वार के आसपास आपसे मुलाकात करते हैं। प्रोबेबली वंदे भारत एक्सप्रेस क्रॉस हो रही है। सुप्रभात देवभूमि उत्तराखंड से, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाई साहब उत्तराखंड में हमारी गाड़ी अभी आ चुकी है, और यार यहाँ के नज़ारे ब्रेथ टेकिंग है। मतलब अभी जस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस क्रॉस हुई, आपको दिखाया मैंने देहरादून आनंद विहार वाली, मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, आपको भी नज़ारा दिखाता हूँ। और मेरे हिसाब से मसूरी में ना स्नोफॉल हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो गई है, बहुत भयंकर वाली ठंड यहाँ पर हो चुकी है। अभी आपको मैं नज़ारे दिखाता हूँ। अभी गाड़ी यहाँ पे अपनी रुकी थी क्रॉसिंग के लिए, और निकलने वाली है बस। ये देखो यार गाड़ी हमारी यहाँ पर अभी थी, ये देखो क्या नज़ारे है यार, इतनी ठंड है ना मैं क्या बताऊँ। तो छोटा सा बेंच है, मतलब क्या बोलो यार, ये ब्यूटी नेक्स्ट लेवल है उत्तराखंड की। बाकी कांसरों को वो तो स्टेशन है, यहाँ पर अपनी गाड़ी रुकी थी, अभी निकल जाएगी ऐसे गाड़ी। भाई साहब एक सुंदर नज़ारे तो चल ही रहे हैं, और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाथ में ग्लव्स की नीड है, इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पर अभी पड़ चुकी है। ऐसा लगेगा नहीं आपको देखकर, बट यहाँ पर पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नीड यहाँ पे ग्लव्स की है। और भैया बता रहे थे कि ऊपर मसूरी में स्नोफॉल हो रहा होगा शायद, इसलिए यहाँ पर बारिश गिरी, और वेदर भी आप देखो कितना क्लाउडी हो चुका है। वीडियो को एंड तक देखना, मसूरी में स्नोफॉल आपको दिखाऊंगा अगर होती है तो।
ट्रेन अभी पहुंच चुकी है डोई वाला स्टेशन, मतलब अपने देहरादून से पहले स्टेशन आता है उधर अपने ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। कितना सुंदर स्टेशन है, बारिश यहाँ पर हो रही है, शायद है कि मसूरी में स्नोफॉल कभी भी हो सकती है। मज़ेदार भाई ये एक्सपीरियंस मेरे, मैं पहली बार ऐसा उत्तराखंड का भी घूम रहा हूँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है यार। ये देखो यार, ये ब्यूटी है उत्तराखंड की यार, हल्की सी बारिश चल रही है, बहुत ही मस्त ठंडा मौसम यहाँ पे चल रहा है, और सामने देखो यार ग्रीनरी ही ग्रीनरी हर जगह, और ये अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी। वाओ, ये एक्सपीरियंस सबसे एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस है मेरे लिए। फाइनली भाई कुछ तो इस ट्रेन में आया, एटलीस्ट कुछ नहीं आ रहा था भैया। आप ही बस सहारा हो गए, कॉफ़ी वॉफी मिल गई इतनी ठंड में, थैंक यू सो मच। ये मिल गई कॉफ़ी, एकदम गर्मा गर्म नेस्ले वाली दूध वाली कॉफ़ी, और बाहर मौसम इतना बढ़िया चल रहा है ना, ये क्या ही बताएं। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं देहरादून रेलवे स्टेशन पर। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, क्या सुंदर मौसम हो रहा है यार। और फाइनली 340 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के देहरादून रेलवे स्टेशन पर। देहरादून में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। भाई साहब क्या मौसम है, भारी बारिश यहां पर अभी हो रही है, भयंकर वाली बारिश हो रही है। चलना पड़ेगा बाहर क्योंकि कुछ छत लेनी पड़ेगी, नहीं तो भाई भीग करना, सर्दी वर्दी ना हो जाए, क्योंकि आगे हमें स्नोफॉल भी देखने जाना है। चलो वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ तक हमने 340 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया दिल्ली से लेकर, 10 घंटे 40 मिनट का समय लेते हुए। बाद में ट्रेन का रिव्यू काफ़ी अच्छा था, खाने पीने की चीज़ें आपको ट्रेन में नहीं मिलने वाली तो वो सब आप अपना कैरी कर लो ठीक है। थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी बस एक दो बार बीच में आया था, पानी भी नहीं आता है तो पानी वानी भी अपना आप कैरी कर सकते हो, और स्टेशन पर वैसे आपको मिल जाएगा पानी, ठीक है। वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करके जाना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, आईडी मेंशनड है मेरे अबाउट सेक्शन में मेरी, और आप बाकी की वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा वीडियोज़ देखने में। चलो आपसे विदा चाहता हूँ, मिलता हूँ ऐसे कैसे नए जबरदस्त शानदार जबरदस्त ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए आप और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइज़।